की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब भेजा है। जी हां, सीलबंद लिफाफा लेकर ईडी कार्यालय सचिवालय कर्मी पहुंचा है, जहां पर ईडी ने सीएम को जवाब देने के लिए 5 दिनों का समय दिया था और यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि अब तक ईडी 7 बार समन भेज चुकी है सीएम हेमंत सोरेन को, जिसके बाद 8वें समन में जवाब मांगा गया सीएम हेमंत सोरेन से। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अभी कुछ ही देर पहले सचिवालय कर्मी लिफाफा, सील बंद लिफाफा लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचा है। तो बड़ी खबर, यहाँ पर ईडी ने 5 दिनों का समय दिया था जवाब देने के लिए और ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। और हमारे सहयोगी अंजनी तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंजनी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ईडी कार्यालय एक सचिवालय कर्मी पहुंचा है सीलबंद लिफाफा लेकर एक बार फिर से। तमाम चीजों को लेकर एक प्रयास है जा रहे थे कि इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस जो फैसला जो हुआ है तो को देखेंगे मुख्यमंत्री। अंजनी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तब तक तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें, यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस दिखा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिवालय कर्मी सीलबंद लिफाफा लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचा। और अब तो समय के साथ ही ये पता चल पाएगा कि सीएम ने इस लिफाफे में क्या कुछ जवाब लिखा है। तो बता दें कि सीएम ने ईडी के 8वें समन पर पत्र से जवाब दिया है, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सचिवालय कर्मी एक सील बंद लिफाफा लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचा। बता दें कि इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन ने लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि बिना वजह उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जितने भी केंद्र एजेंसी हैं वो विपक्ष के चेहरों को परेशान कर रहा है। हमारे सहयोगी अंजनी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंजनी, आप जानकारी दे रहे थे सचिवालय कर्मी पहुंचा है ईडी कार्यालय सीलबंद लिफाफा लेकर। है ये पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा और जो वहां से जो सीलबंद लिफाफे जो उनके हाथ में था वो अंदर गया और वो लिफाफा देकर बाहर आ गया। लेकिन लिफाफे में क्या उत्तर दिया गया है ईडी ने जो सवाल पूछे थे ये अभी बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी के जो सवाल रहे होंगे वो मुख्यमंत्री के तरफ से ये जवाब दिया गया होगा कि अभी हो सकता है हम नहीं जा सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। और जिस तरह से सवाल ईडी ने किया है तो उसका एक सटीक जो जवाब है मुख्यमंत्री के तरफ से उस पत्र के माध्यम से भेजा गया है। अब आगे इस पत्र को खोलने के बाद अब ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी ये थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ईडी झारखंड में काफी रेस है और कई लोगों को जो है समन भेजा है। आप देखेंगे कई पॉलिटिशियन हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन से कनेक्टेड हैं, मुख्यमंत्री को 8 बार समन भेजा गया है, उनके प्रेस सलाहकार को भेजा गया था और अवैध खनन से जुड़े जो मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, तमाम चीजों से जो कनेक्टेड जो लोग रहे हैं उन्हें समन किया गया है। लेकिन जब कैबिनेट से जो फैसला पारित हुआ है कि कोई भी अधिकारी तुरंत ईडी के बुलावे पे नहीं जाएगा, क्यों बुलाया गया है, एक विस्तृत जानकारी आला अधिकारियों को दी जाएगी, तब उसके बाद
क्या कौन से किस पत्र की मांग हो रही है, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट लेकर ईडी जो है आने वाले समय में और कई अधिकारियों को परेशान कर सकता है। यही वजह है कि आप देखेंगे एक नोडल कमेटी बनी है जिसमें निगरानी तमाम चीजों को देखेगा। तो हमें लगता है कि पत्र में तमाम चीजों का उत्तर होगा। अब देखना ये होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए।